आप सब आए, धन्यवाद आप सबके लिए। भारतीय इतिहास की पहली संस्कृत फिल्म है, ऐसे चार फिल्में आ चुकी है, कहाँ है पता नहीं, और पहली सेंसर सर्टिफिकेट फिल्म है आम ब्रह्मास्त्र, जिसका सेंसर पिछले हफ्ते हुआ। कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं। या गुड इवनिंग आजाद जी, या आई एम मोहन अय्यर हियर। योर मेन रीजन फॉर ब्रिंगिंग संस्कृत टू द मेन स्ट्रीम सिनेमा, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? रीयूनाइट वर्ल्ड, बिकॉज आज की तारीख में सैकड़ों भाषाएं हैं, लेकिन सारी भाषाओं की जर्नी जहाँ मैंने स्टडी किया कि वो संस्कृत है। और जैसे भी कुछ देर पहले मैंने कहा कि देवनागरी लिपि इतनी आसान भाषा है, बाकी भाषाएं मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन है। आज मराठी, हिंदी और संस्कृत तीनों एक जैसी है, बाकी भाषाएं कठिन लोग कहते हैं। तो मूल भाषाएं अपनी जड़ों की तरफ लौटना, यानी अपनी जड़ों की बातें करना हो तो संस्कृत जानना चाहिए, बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल लाना चाहिए। हम बाहरी भाषाएं लेके चल रहे हैं, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, दुनिया भर का, तो इसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए, इसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैं चाहता हूँ। आज़ाद जी, इसमें जो संस्कृत में आपने जो ये कलाकार हैं इसके, इनको कुछ डिफिकल्टीज हुई है डायलॉग डिलीवरी में? डिफिकल्ट तो होती है स्वाभाविक, क्योंकि जैसे मैं जितने आसानी से कह लेता हूँ कि मैं तो करना चाह रहा, बाकी लोगों तैयार किया करवाया जिस तरीके से बोल पाए, कि मैं देखा कि साउथ में लोग